वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं अंडे की बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 400 ग्राम चीनी, 6 अंडे, 4 से 5 कुटी हुई इलायची और 100 ग्राम घी। हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे को आप फेंट लेना है। ये देखिए मैंने 6 अंडे खोल के इसमें डाल दिए। अब इसको हमें काफ़ी देर तक फेंटना होगा, जब तक कि ये पूरा फेंट से भर ना जाए, वो बच्चे से ये सारा मिक्स ना हो जाए, तब तक मेरे में 10 मिनट इसको लगेगा इसको फेंटने में। ठीक है, हम लोग उसको फेंटना शुरू करते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम लोग चीनी मिक्स करेंगे। फेट आ गया है खूब अच्छे तरीके से। अब इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी मैंने 400 ग्राम लिया था, ये 400 ग्राम चीनी। इसमें मैंने चीनी ऐड करने के बाद इसमें हम लोग दूध डाल देंगे। गैस ऑन कर लिया है और गैस फ्लेम हम लोग मीडियम रखेंगे। ठीक है, और इसको साथ साथ हिलाते रहना है, क्योंकि ये इसमें चीनी है तो ये नीचे चिपक ना जाए। अब इसको इसी तरह हम लोग थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग घी ऐड करेंगे। ये कढ़ाई में छोटी पड़ रही थी इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। और कभी कभी आप इसको फुल फ्लेम पर भी रख करके तेज़ तेज़, लेकिन इसको लगातार चलाते रहना होगा, वरना ये चीनी की वजह से चिपकने लगेगा। कभी फुल फ्लेम कर दिया और जब ये ज़्यादा चिपकने लगता है तो फिर इसको आप स्लो कर लीजिए, तो फिर ये जल्दी बन जाएगा। और इसके साथ अब इसमें हम 2 मिनट के बाद घी डालेंगे। जब तक ये हो रहा है, ये पक रहा है, अभी मैं इसको सिम करके मैं प्लेट की ग्रीसिंग कर लेती हूँ, जिसमें मुझे बर्फ़ी बनानी है। में हम लोग बर्फी निकाल करके उसको सेट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग घी ऐड कर लेंगे। इसको आराम से आप चलाते रहिए जब तक ये पूरी तरह से सूखने नहीं लगे। ये देखिए, ये इस तरह से अब ये धीरे धीरे सूखने पे आ रहा है। उसको मैंने फुल फ्लेम पे ही रखा हुआ है और मैं लगातार चलाती जा रही हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा ना वो उड़ता भी है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान ही रखिएगा, थोड़ा दूर से थोड़ा पास नहीं रहने देना है। ये आप चाहें तो इसे हल्का सा ढक के भी, ताकि ये आपके ऊपर छींटा ना पड़े। ये देखिए, अब धीरे धीरे ये उड़ना भी इसने कम कर दिया। अब ये बहुत हद तक होने पे आ गया है, बिल्कुल ये दाने दाना सा हो गया। अब इसमें हम लोग इलायची पाउडर मिक्स कर देते हैं और इसे फुल फ्लेम पे ही भूनते रहेंगे। अब ये बस 10 मिनट में रेडी हो जाएगा सर। अब जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, थोड़ा ये घी छोड़ लेगा, तब तक इसको हम लोग भूनते ही रहेंगे।
बस ये देखिए ये सूख गया है, अब इसकी इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको लगे ना कि घी की कमी थोड़ी भी होगी तो आप इसको ना आप ऐड कर सकते हैं। मेरा तो ये बन गया है, अब मैं इसके ऐसे प्लेट में निकालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसे पूरी तरह से बराबर कर लिया, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। और इसको थोड़ा टाइम लगेगा सूखने में। तो कट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। ये इस तरह बनके तैयार हो गया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।